नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर विशेष विषय जिसका शीर्षक है अब समय आ गया है जनसंख्या नियंत्रण की गंभीरता को समझना होगा। दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों द्वारा लगातार खोज करने के बाद भी आज तक पृथ्वी जैसा कोई दूसरा या ग्रह ब्रह्मांड में नहीं मिल पाया। पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र स्थान है जो मानव ही नहीं अपितु लाखों प्रजातियों का घर है। सौरमंडल के इस एकमात्र सबसे घने ग्रह पर जीवन को संभव बनाने के लिए जल, हवा, पर्यावरण आदि ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो अन्य किसी ग्रह पर उपलब्ध नहीं है। मानव जाति के लिए पृथ्वी प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पृथ्वी पर पाए गए प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने की बजाय इंसान ने अपनी स्वार्थपरता के चलते इसका जमकर शोषण किया है। इस शोषण के पीछे काफी हद तक धरा को बढ़ता है इंसान बोझ भी एक कारण है। 1950 में विश्व की जनसंख्या 250 करोड़ के लगभग थी, 1980 में 440 करोड़ और सन 2000 में यह बढ़कर 611 करोड़ हो गई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA आंकड़ों के मुताबिक 2020 में दुनिया की आबादी 779 करोड़ यानी 7.7 अरब को पार हो गई है। सर्वप्रथम 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। उस वक्त विश्व की आबादी 5 बिलियन पहुंच चुकी थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी जनसंख्या संबंधित समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर नीतियों और उपायों को क्रियान्वित करना है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग पॉपुलेशन डिवीजन ने द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 हाइलाइट्स के 26वें अंक में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों में भारत को लेकर काफी चिंताएं जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 7 साल यानी 2027 तक भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, 2019 से 2050 तक भारत में 27.30 करोड़ और लोग बढ़ जाएंगे। हालांकि ऐसा संभव होता नहीं दिखाई देता क्योंकि चीन ने अपने देश की गिरती जन्म स्तर को संभालने के लिए 2015 में एक बच्चे की नीति खत्म कर दंपतियों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। इस तरह यह कहना जल्दबाजी होगा कि आगामी 7-8 वर्षों में भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर विश्व भर में पहले स्थान पर खड़ा होगा। आजादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ के करीब थी। वर्तमान में चीन 143 करोड़ की जनसंख्या के साथ पहले और भारत 137 करोड़ लोगों के साथ विश्व भर में दूसरे स्थान पर है। चीन और भारत में विश्व की क्रमशः 19 और 18 फीसदी आबादी रहती है। अमेरिका 32.90 करोड़ की आबादी के साथ तीसरे नंबर पर है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 की अवधि तक वैश्विक आबादी में 200 करोड़ की वृद्धि होगी और विश्व की कुल आबादी 970 करोड़ हो जाएगी। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं जन आंकिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 ईस्वी में अपने पुस्तक में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध लिखा। उनके जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार मानव जनसंख्या ज्यामितीय आधार पर बढ़ती है जबकि भोजन और प्राकृतिक संसाधन अंकगणितीय आधार पर बढ़ते हैं, जो आगे चलकर जनसंख्या और संसाधनों के बीच आगे अंतर उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक घटनाएं और आपदाएं ही इस अंतर को दूर करती है। सूखा, भूखमरी, बाढ़ या महामारी आदि फैलना इसके ही उदाहरण हैं। 1859 में प्रकाशित किताब दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक और मानव इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा खुद अपना विकास और नियोजन करती है। आगे चलकर यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। डार्विन सिद्धांत के मुताबिक जीवन के लिए संघर्ष
वर्तमान में भी लागू होता साफ दिखाई दे रहा है। सीमित जनसंख्या में हम अपराध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके आरामदायक जीवन जी सकते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण यही सुख संघर्ष में परिवर्तित होकर जीवन की शांति को भंग करने का काम करता है। देश में जब कोई विकासात्मक परियोजना बनाई जाती है तो यह वर्तमान जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, लेकिन आबादी में होने वाली वृद्धि किसी भी ऐसी परियोजना को साकार नहीं होने देती। ठीक है, चीन की जनसंख्या भारत से मात्र 6 करोड़ ज्यादा हो, लेकिन भारत की तुलना चीन की क्षेत्रफल 3 गुना अधिक है, अर्थात देश के संसाधनों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता चीन के मुकाबले महज 1/3 रह गई है। भारत एक बढ़ती आबादी एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। हम इस समस्या का ठोस हल करने की बजाय हमें आज भी धर्म की दृष्टि से देखते हैं। शायद तभी जहां 3 तलाक जैसे कानून बनने के खिलाफ हल्ला गुल्ला होता है तो वही बाल विवाह की घटनाएं आदि भी यदा कदा सामने आ रही है। 1970 में लागू 2 चाइल्ड पॉलिसी से फायदा ना होता देख चीन ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। इसे लागू करने के लिए चीन ने नसबंदी गर्भपात जैसे तरीके अपनाए। कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि चीन की आबादी को नियंत्रित करने में 1 चाइल्ड पॉलिसी ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। इन्हीं नीतियों के चलते चीन ने लगभग 30 से 40 करोड़ नए लोगों को संसार में आने से रोक दिया। भारत में उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात आदि राज्यों में 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को शहरी निकायों, नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर रखा गया है। असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य करार दे दिया जाता है। इन 11 राज्यों के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त नीति बनाने की बात कही है। देश की हर नीति पर राजनीतिक ज्यादा हावी हो रहती है। जनसंख्या नियंत्रण की असफल नीतियों के लिए सरकार से ज्यादा समाज दोषी है। भारत में 2 बच्चों की नीति को धर्म के चश्मे में देखा जाता है। देश में आज भी एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षा के अभाव में यही सोच लिए जी रहा है कि बच्चे तो भगवान की देन है और परिवार में जितने अधिक सदस्य होंगे कमाने वाले उतने ही अधिक होंगे, लेकिन वह यह भूल जाता है कि कमाने वाला केवल कमाएगा ही नहीं बल्कि खाएगा भी। एक बेटे की चाह में बेटियों की फौज खड़ी करने की सोच ना तो देश हित में है ना ही निजी हित में। गरीबी तो सभी को दिखाई देती है, लेकिन 6-7 बच्चों की फौज गरीब को और गरीबी बना रही है। इस तरह किसी का ध्यान नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे पास 2.5% जमीन और 4% जल संसाधन है। स्वास्थ्य की बात करें तो विश्व में बीमारियों का जितना बोझ है उसका 20% अकेले भारत पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठोस जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर देश के लोगों से आह्वान कर चुके हैं। आज हर कोई देश चीन के खिलाफ अपनी देशभक्ति जाहिर कर रहा है, लेकिन चीन की तरह जनसंख्या नियंत्रण करके छोटे परिवार रखकर भी अपनी देशभक्ति का परिचय दिया जा सकता है। विश्व के सबसे अधिक गरीब और भूखे लोगों की संख्या की बात हो या कुपोषण और उचित स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से मरने वाले बच्चों की संख्या हो, इस सब में अपना देश अग्रणी है। परिवार नियोजन जैसे उपायों को अपनाने के बावजूद बच्चे 2 ही अच्छे सिद्धांत को पूरी तरह लागू नहीं कर पाए हैं। 1 बच्चा नीति तो बारे में सोचना भी दूर की बात है। समाज में शिक्षा का प्रसार जितना अधिक होगा जनसंख्या नियंत्रण उपाय उतने ही प्रभावी ढंग से लागू होंगे। परिवार नियोजन के उपायों को लेकर लोगों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। महिलाओं की बजाय पुरुष नसबंदी को प्राथमिकता देनी होगी। देश की युवा पीढ़ी को किशोरावस्था से ही असुरक्षित यौन संबंधों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने होंगे। स्थानीय स्तर पर लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो परिवार नियोजन की नीति को अपनाते हों। सरकारी
वह गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों के लिए नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक दो या एक बच्चे की नीति राष्ट्रीय स्तर पर बिना भेदभाव सख्ती से सभी धर्मों वर्ग और समुदाय पर लागू होनी चाहिए। जनसंख्या विस्फोट को भावनाओं से नहीं कठोर नीतियों से रोका जा सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर देशभक्ति या स्वाभिमानी बनकर कुछ नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आज भी हमें भूखे नंगों के देश के रूप में देखा जाता है। बढ़ती आबादी रोजगार और आवास के संकट को और विकराल होते जा रही है। बेरोजगारी, नशाखोरी, गरीबी, महंगाई और बढ़ते अपराध आदि सामाजिक बुराइयां सब बढ़ती आबादी की ही देन है। जनसंख्या वृद्धि पर यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो देश की ज्यादातर सामाजिक समस्याओं का हल स्वतः ही हो जाएगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन बाय लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट्स। लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट्स वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ 74 इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2020 व्हेन एंटायर इंडिया वाज रिवेलिंग इन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। लायंस मैग्नेट्स कंटिन्यूड देयर सोशियो कल्चर वेलफेयर एक्टिविटीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी एंड सबर्ब्स। A well-planned series of activities in Baruipur was executed by Lions Club of Kolkata Magnates. Officials Guruji Sri Binoy Maharaj, Lipika Sen, Chatterjee, Dr. Prasanta Bhattacharya, Biman Datta, Dr. Mahindra Nath Roy, Dr. Abhijit Chaudhary, Srimoy Sonai Sastri and Dr. Arun Kumar. The Lion Magnates combined with a few renowned social welfare organizations like Tarapit Tabobhan, Baruipur Ikchapuran, Kharda Manan Welfare Society, Hindol Kasba, IBMS, Raj Dynamics and Rotary Club of Kolkata Belvedere Gardens. The official of this organization hosted the national flag at Baruipur New Age Society for All. This distributed sanitizers, essentials and food items among 75 children of the home. The various dignitaries present on the occasion included South 24 Pragnas, additional SP Sandeep Mandal and others. Tarapit Tapoban officials was done sanitization of 5 thanas at Baruipur. The eminent Rotarian Dr. IBMS distributed first aid kits, emergency medicines and kit bags to the official of Baruipur Traffic Guard. Thank you.
के लिए एक आदर्श है रानी लक्ष्मीबाई। आसान नहीं होता एक महिला होने के बावजूद पुरुष प्रधान समाज में विद्रोही बनकर अमर हो जाना। आसान नहीं होता एक महिला के लिए एक साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो जाना। आज हम जिस रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रहे हैं, वो उस वीरता, शौर्य, साहस और पराक्रम का नाम है, जिसने अपने छोटे से जीवन काल में वो मुकाम हासिल किया जिसकी मिसाल आज भी दुर्लभ है। ऐसे तो बहुत लोग होते हैं जिनके जीवन को या फिर उनकी उपलब्धियों को उनके जीवन काल के बाद सम्मान मिलता है, लेकिन अपने जीवन काल में ही अपने चाहने वालों को नहीं बल्कि अपने विरोधियों के दिल में भी एक सम्मानित जगह बनाने वाली विभूतियां बहुत कम होती है। रानी लक्ष्मीबाई ऐसे ही एक शख्सियत थी जिन्होंने न सिर्फ अपने जीवन काल में लोगों को प्रेरित किया बल्कि आज तक वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक महिला जो मात्र 25 वर्ष की वायु में अपने पति और पुत्र के खोने के बाद भी अंग्रेजों को युद्ध के लिए ललकारने का जज्बा रखती है, हो वो निसंदेह हर मानव के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। वो भी उस समय जब 1857 की क्रांति से घायल अंग्रेजों ने भारतीयों पर और अधिक अत्याचार करने शुरू कर दिए थे और बड़े से बड़े राजा भी अंग्रेजों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ऐसे समय में एक महिला की दहाड़ ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई इस दहाड़ की गूंज झांसी तक सीमित नहीं रही, वो पूरे देश में ना सिर्फ सुनाई दी बल्कि उस दहाड़ ने देश के बच्चे बच्चे को हिम्मत से भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले विद्रोह सामने आने लगे। दरअसल झांसी के लिए अपनी भूमि की स्वतंत्रता के लिए, अपनी प्रजा को अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के दिल में जो आग धधक रही थी, अब वो 1858 में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर पूरे भारत में फैला दी। जी, उन्होंने अपनी स्वयं की आहुति से उस यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित कर दिया था जिसकी पूर्ण आहुति 15 अगस्त 1947 को डाली। हालांकि 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अकेले होने के कारण अपनी झांसी नहीं बचा पाई, लेकिन देश को बचाने की बुनियाद खड़ी कर गई, एक मार्ग दिखा गई, निडरता का पाठ पढ़ा गई, अमरत्व की राह दिखा गई। कल्पना कीजिए एक महिला की जिसकी पीठ पर नन्ना बालक हो, उसके मुंह में घोड़े की लगाम हो और उसके हाथों में तलवार। शायद हाँ, हमारे लिए कल्पना करना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने उनकी मूर्तियां देखी है, उनकी ऐसी तस्वीरें देखी है, लेकिन ये औरत कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, किसी वीर रस की कवि की कल्पना भी नहीं है, यह हकीकत है। शायद इसलिए वो आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। हाँ, वो अमर है और सदियों तक रहेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो केवल इस देश के लोगों के दिलों में ही जिंदा नहीं, वो आज भी जिंदा है, अपने दुश्मनों के दिल में, अपने विरोधियों के दिल में, उन अंग्रेजों के दिल में, वो दिमाग में जिनसे उन्होंने लोहा लिया था। हाँ, ये सच है कि अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई से जीत गए थे, लेकिन वो जानते थे कि वो इस लड़ाई को जीत कर भी हार गए थे। वो एक महिला के उस पराक्रम से हार गए थे जो एक ऐसे युद्ध का नेतृत्व निडरता से कर रही थी, जिसका परिणाम वो जानती थी। वो एक महिला के उस जज्बे से हार गए थे जो अपने दूध पीते बच्चों को कंधे पर लाद कर रणभूमि का बिगुल बजाने का साहस रखती थी। शायद इसलिए वो उनका सम्मान भी करते थे। उस दौर के कई ब्रिटिश अफसर बेहिचक स्वीकार करते थे कि महारानी लक्ष्मीबाई बहादुरी, बुद्धि, दृढ़ निश्चय और प्रशासनिक क्षमता का दुर्लभ मेल है और उन्हें अपने सबसे खतरनाक शत्रु मानते थे।
जिस शख्सियत की तारीफ करने के लिए शत्रु भी मजबूर हो जाए तो किरदार का अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। आज जब 21वीं सदी में हम 19वीं सदी की एक महिला की बात कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यह सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं होगी, केवल एक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए बल्कि एक अवसर होना चाहिए, ऐसा अवसर जिसमें हम कुछ सीख सके। तो कुछ बातें जिनकी प्रेरणा हमें रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में से ले सकते हैं। हर कीमत पर आत्मसम्मान स्वाभिमान की रक्षा। जब आपके पास दो विकल्प हो तो आत्मसमर्पण या लड़ाई, सरल शब्दों में कहे तो जीवन या स्वाभिमान में से चुनना तो उन्हें स्वाभिमान को चुना। आत्मविश्वास अंग्रेजों के मुकाबले संसाधनों और सैनिकों की कमी ने उनके हौसलों को डिगाने के बजाय और मजबूत कर दिया और वो दहाड़ पाई कि जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। लक्ष्य के प्रति दृढ़, अपनी झांसी को बचाना ही उनका लक्ष्य था, जिनके लिए वो अपनी जान देकर अमर हो गई। अपने अधिकारों के लिए लड़ना, मात्र 25 साल की आयु में अपने राज्य की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से विद्रोह हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। उन्होंने अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर न्याय के लिए लड़कर गीता का ज्ञान चरितार्थ कर दिया, दिखाया। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक शिक्षा जो उनके जीवन से हमें मिलती है वो यह है कि शस्त्र और शास्त्र विद्या, तार्किक बुद्धि, युद्ध कौशल और ज्ञान किसी औपचारिक शिक्षा की मोहताज नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई ने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता ने ब्रिटिश साम्राज्य को भी अचंभे में डाल दिया था। शायद इसलिए वो आज भी हमारे जीवन में बीच जीवित है। फिल्मों में, टीवी सीरियल में, किस्सों में, कहानियों में, लोकगीतों में, कविताओं में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का नामकरण करके उनके पुतले बनाकर, लेकिन इतना काफी नहीं है। प्रयास कीजिए उनका थोड़ा सा अंश हमारे भीतर भी जीवित हो सके। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। ये वाली।
একটি কবিতা বলবো, তার নাম জন্মভূমি। কবির নাম হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সার্থক জনমামা জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনমা গো তোমায় ভালোবেসে। জানি না তো ধন রতন আছে কিনা রানীর মতো, শুধু জানি মোর অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়া এসে। ফুল বনেতে জানি না ফুল অন্ধে এমন করে এখন, কোন লগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি এসে। আখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো, এই আলোতেই নয়ন রেখে মধুর নয়ন শেষে। पम 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 ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम 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 सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए। आजा आजा जिंदू शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, जय हो, चक दे इंडिया, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामला मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे मातरम।
आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, আড়ম্বনা আভিজাত্য, বৈভব ও অহংকারের শিরোনামে ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিন্তু তার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চললেন অন্য পথে। জমিদারির আভিজাত্যকে দূরে রেখে তিনি অনুসরণ করলেন রাজা রামমোহন রায়ের নির্দেশিত পথকে। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্ম সমাজ। তখন বঙ্গ সমাজে নবজাগরণের জোয়ার। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছিলেন মুক্তির পথ। আমার মুক্তি আলো আলো। তার প্রিয় কাদম্বরী বৌঠানের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল তার মুক্তির পথের সন্ধান। এই দুটি শিশু একে অপরের হয়েই সকলের অজান্তেই বেড়ে উঠেছিল এই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। চাঁদ উঠেছিল গগনে, দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে, কি জানি কি মহালগনে। রবির স্বপনে সয়নে জাগরণে ঘিরে ছিল তার কবিতা ও কাদম্বরী বৌঠান। রোম্যান্টিসিজমের হাত ধরে জানা অজানার আলো আধারি খেলায় শুরু হয়েছিল ভানুসিংহের অমর কাব্য সৃষ্টি। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে শুরু করে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর মতো প্রখ্যাত গুণী মানুষের প্রশংসার ভাগিদার হয়েছিলেন। এদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি আনন্দের ভাণ্ডার, সংস্কৃতির প্রেরণা, উৎসবের সাত রঙে রঙে। রেনেসাঁসের অন্যতম ধারক ও বাহক, সুদূর আয়ারল্যান্ডের আইরিশ মেলোডি বাসা বেঁধেছিল রবির মনে। কিন্তু জীবনে এসেছিল বাধা। রবির সাথে কাদম্বরীর সম্পর্কটা যথেষ্ট দৃষ্টিকটু। ঠাকুর বাড়ির প্রত্যেকে একই কথা বলছে, ছি না তো, সবে তো শুরু দিদি, অশান্তি আরো বাড়বে। রবি আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, মা হবারও সৌভাগ্য হলো না। আমি এই একাকিত্বের অভিশপ্ত জীবন রাখতে চাই না। আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে বসন্তে। জীবনে এগোতে গেলে পিছুটানকে ভুলতে হয়। রবি হয়তো ভুলতে পেরেছিল, লিখেছিল কবিতা আপন মনে আপন ভাষায়, তাই তো সে হয়ে উঠেছিল
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।